हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न बैंक 2021 एंड 22, विषय गणित क्लास 9th, यानी कि मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया ये प्रश्न बैंक है क्लास 9th का, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस प्रश्न बैंक को ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब सीधा सा ये होता है कि आपको किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, ये आपको ब्लूप्रिंट में अच्छे से बताया जाता है। जैसे कि आपको इसमें दिया गया है टोटल 15 चैप्टर हैं, टोटल 15 चैप्टर में से आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जो नंबर हैं वो एक नंबर का क्वेश्चन होगा, दो नंबर का होगा, तीन नंबर का होगा या चार नंबर का होगा, ये आपको इसमें ब्लूप्रिंट में अच्छे से समझाया जाता है कि इस चैप्टर से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से टोटल एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जो एक नंबर का क्वेश्चन होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये आपको देखने को मिल सकते हैं सही उत्तर में, खाली स्थान में, सही जोड़ी में, एक शब्द उत्तर में और सत्य सत्य में, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के, तो टोटल हो गए आपके 8 मार्क्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ब्लूप्रिंट के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं इस जो 15 चैप्टर दे रखा है, ये 15 चैप्टर में से आपको हम 8 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ब्रिज कोर्स, तो हम पहले बात कर लेते हैं ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है सही उत्तर। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा कि इसका सोल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर ये कैसे आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं रीड करूँगा, इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कौन सा क्वेश्चन है, उसको मैं सोल्व करके बताऊंगा, उसको फाइनल आंसर बता दिया जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है। लेते हैं ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है सही उत्तर में। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया गया है कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य हमको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमको पता है कि 1 दर्जन केले में, 1 दर्जन जो केला होता है उसमें कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो 12 किलो का मूल्य दे रखा है 60 रुपये, आप उसमें 12 का डिवाइड कर देंगे और पूछा गया है 6 किलो का मूल्य, तो इसमें आपका 6 का मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे हो गया 30 रुपये आ गया आपका इसका आंसर, 30 रुपये आएगा जो कि इसमें ब वाला आंसर सही है। नंबर सेकेंड में आपको दिया गया है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और साथ ही साथ इस वाले डायग्राम को यहाँ पे कलर किया गया है। तो आपको ये बताना है कि बताइए यहाँ पे जो इस डायग्राम का इसका भाग क्या होगा, भिन्न के रूप में आपको बताना है। देखिए तो आपको कलर वाला छायांकित भाग का भिन्न पूछ रहा है कि बताओ छायांकित भाग का क्या भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने बॉक्स हैं, 4 है, 4 में से कलर कितना किया गया है, 1 कलर किया गया, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, छायांकित भाग का पूछा जाएगा तो 1/4 अगर पूछा जाता कि बताइए इसमें कितने भाग कलर नहीं किए गए हैं फ्रैक्शन के रूप में बताइए, तो देखिए टोटल हैं 4, 4 में से कलर कितने नहीं किए गए हैं तो 3, ये हो गया 3/4। इन दोनों को कलर किया गया और ना कलर किया गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 आना चाहिए, आप चेक करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए 1/4 और 3/4 को आप ऐड करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए जो कि ये पूरा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, 1/4 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसमें आंसर दे रखा है सवाला। थर्ड में आपको दिया गया है 10 × 9 = 15 × यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। यहाँ आंसर दिया गया है आपका 6745। ठीक है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन में, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कैसे किया जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व करना है तो 10 9 जा कितना हो गया 19 = 15 और ये बॉक्स है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 90/15 कितना हो जाएगा ये बॉक्स में, तो ये 15 6 90 यानी कि ये बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। और में आपको दिया गया है 0.3 × 0.8 इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा और 1 डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे 1 डिजिट बाद है तो कितना हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि टोटल 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल आपको लगाना है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.24 फाइनल आंसर। यहाँ पे देखिए 0.24 नहीं बोलते हैं, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को इंडिविजुअल बोला जाता है, इसको पढ़ेंगे 0.24 इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि है सही जोड़ी। सही जोड़ी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि 0.45 + 0.25
25। देखिए इसमें आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। तो 5 5 कितना हो गया 10, यानी कि 0 हो जाएगा। 2 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 7, और यहाँ पे 0.0.70 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका गया है यहाँ पे क्या है 306/9। यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है, तो जो आंसर आएगा वहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं, 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 1 3 कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, यानी कि कितना हो गया ये माइनस का 34 इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है इसका माइनस का 34 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड की, ये सही जोड़ी का थर्ड नंबर का है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है -4 × -2.5, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है भैया कितना 100। तो 100 यहाँ पे वन डिजिट बाद है, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा वन डिजिट बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका 10 आंसर दिया गया है, तो ये आपका 10 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 4 के, 4 में क्या दिया गया है -3.5 + 2.5, इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है 3.5 में से, 3.5 में से आपको 2.5 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट भी आएगा, यानी कि माइनस का 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप पढ़ेंगे -1। देखिए दोस्तों यहाँ पे -1 आपका आंसर नहीं दिया गया है, बट इसका आंसर -1 ही आएगा, आपको इसको समझ के चलना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत आंसर इसके दे रखे हैं, तो आपको इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, आपको ये समझ के चलना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो दे रखा है, यहाँ पे आपको 1 दे रखा है, पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस वाली वैल्यू छोटी है, इसीलिए जब आप प्लस माइनस करते हैं तो सबट्रैक्ट होता है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस वाला साइन लगा जाता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का। फाइव में आपको दिया गया है यहाँ पे 4/5, 4/5 में इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.58 आएगा, यानी कि इसका आंसर 0.8 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0.8 आंसर सही है इसका। इसमें आपको दिया गया है 0.5/10, यानी कि यहाँ पे आप जब डेसिमल का डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.05 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0.05 आंसर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि सही जोड़ी में जो आपको सही जोड़ी बनाने हैं, ये आपको इस प्रकार से बनाना है। फर्स्ट वाला का आंसर यह आएगा, सेकंड वाले का आंसर यह आएगा, थर्ड वाले का आंसर यह आएगा, फोर्थ वाले का आंसर यह आएगा, फिफ्थ वाले का आंसर यह आएगा, सिक्स वाले का आंसर यह आएगा। आपको मैंने सोल्व करके बताया है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 गलत दिया रखा है, वो वहाँ पे 1 दे रखा है, तो उसका आंसर 1 नहीं आके -1 आएगा। ठीक है, और बाकी सब सही है, ये इसको सोल्व करके बता दिया हूँ। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड एक शब्द में उत्तर देना है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट दिया गया है संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी, यानी कि आपको बोला गया है भाई 1312 में कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाएगा, यानी कि बॉक्स जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, तो क्या आपको मिल जाए 14, ये आपको मिल जाए भाई 1400 मिल जाए। 1312 में आप क्या जोड़ें कि आपको 1400 मिल जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, आपको सोल्व करते आना चाहिए। तो देखो इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको उधर चलते हैं, इसको यहीं रहने देने देते हैं, इसको इधर रहने दिया, और इसको ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इक्वेशन के उस साइड यानी कि इक्वल के उस साइड जाएगी, तो ये वैल्यू प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में हो जाती है, जब इक्वेशन के उस तरफ ले जाते हैं तब। ठीक है, देखिए आप यहाँ प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1400 में से 1312 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से कितना माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो गया था, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 88। यानी कि आप अगर इसमें अगर आप 88 जोड़ देते हैं तो आपका 1400 मिल जाएगा। आपको सोल्व करके बता देता हूँ, देखिए 1312 में अगर आप 88 को जोड़ देते हैं तो देखिए 1400 मिल जाएगा। ये आगे कितना 0, ये कितना हो जाएगा 8, 9, और ये कैरी गया था उसको कितना हो जाएगा 10,
फिर कह रहे गया 3x कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 1। ये देखो 1400 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपये अधिक हैं। भाई देखो ये मोहन के पास कितना है, ये 157 ये मोहन के पास है और सरला के पास कितने हैं 72 रुपये दिए गए हैं। तो आप बताइए कि मोहन के पास कितने रुपए ज़्यादा हैं सरला से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, सरला वाला जो वैल्यू है इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि इसको कितने ज़्यादा रुपए मिलेंगे हैं इससे। देखो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि 75 रुपए ज़्यादा मिले हैं भाई मोहन को सरला से। यानी कि मोहन को 75 रुपए ज़्यादा मिले हैं किससे, सरला से। ठीक है, यानी कि इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 157 आ जाना चाहिए। देखो 72 में आप 75 को जोड़ो कितना आ रहा है 7, साथ साथ होता है 157 आ गया। ठीक है, आप सही है। ठीक है, इसका आंसर आप वेरीफाई करिए। जितने क्वेश्चन है आप चाहे तो इसको दो तीन बार वेरीफाई भी कर सकते हैं, दो तीन तरीके से कर भी सकते हैं, बट हमको तरीका नहीं ध्यान रखना है, बस ये है कि हाँ इसका आंसर कैसे हम सोल्व करके निकाल सकते हैं अगर हमको ऑब्जेक्टिव में आ गया है तो। वहाँ पे आपको याद थोड़ी कर, जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम का मतलब है भाई, इस ब्लूप्रिंट का सीधा सा मतलब ये है कि इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, जरूरी थोड़ी है कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इसके डेटा चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी प्रकार से रहेंगे, इसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आपको सोल्व करना रहेगा तभी उसका आंसर निकाल सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको ये कि ये क्वेश्चन आपको उठा के एग्जाम में दे दिया जाएगा भाई, हाँ इसको सोल्व करो इसका आंसर निकालो। इसके टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में ताकि आप उसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, एक लॉजिक होता है, उसको आपको अपना इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको क्या दिया गया है, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे, यानी कि 72 कितने हैं कंचे हैं, इसमें से आपको 6 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है। भाई 6 का भाग दे दो कितना हो जाएगा 6 1 6 6 2 12, यानी कि एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे, 12 कंचे मिलेंगे। यहाँ पे आपको इसका आंसर हो जाएगा 12, आंसर इसका फाइनल होगा।